सलार का ट्रेलर आ चुका है और प्रशांत नील ने भी पहले ही बोल दिया था कि ये केजीएफ का पार्ट नहीं होने वाला है। लेकिन भाई क्या करे, दिल है कि मानता नहीं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ये केजीएफ का पार्ट कैसे नहीं है। लेकिन जब मैं ट्रेलर को देख रहा था तब भाई एक ऐसा शॉट आया, एक ऐसा फोटो मुझे दिखा कि भाई वो देख के साफ हो जाता है कि भाई ये केजीएफ का ही पार्ट हो सकता है। हमें डायरेक्टर छुपा रहे, वो हमें सरप्राइज देना चाह रहे हैं कि भाई ये भले ही केजीएफ का पार्ट नहीं है, भले ही इसमें आपको रॉकी भाई का एंट्री नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कनेक्शन केजीएफ का हम इसमें डालेंगे ताकि हम लोग आगे भी जाके बिल्ड कर पाए। वो आपको सभी को शॉर्ट दिखाऊंगा और वो फोटो भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि भाई आप सभी लोग ट्रेलर देखोगे तो 2 मिनट के समथिंग कुछ आप सभी देखोगे कि वहाँ पे जो है सलार अपनी माँ से मिलने हुए जाता है। लेकिन अब जब उसकी माँ को देखते हो तो भाई वही माँ दिखती है जो केजीएफ में हम सभी को फरहान की माँ दिखती थी। अब फरहान की माँ ही सलार की माँ है या फरहान या सलार दोनों एक ही है, अब ये तो कंफ्यूजन हम सभी को मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन ये शॉर्ट देखने के बाद आप पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो जो कि पूरा केजीएफ से मैच करता है। अब जो है डायरेक्टर ने ये भी बोला था कि हमने कुछ पार्ट जो है केजीएफ में ही शूट कर लिया था, मतलब केजीएफ के। लेकिन आप ऐसे ही कैसे सीन को शूट कर सकते हो भाई? होमबिले फिल्म्स जो है उसके पास इतना ज्यादा बजट है कि भाई वो दूसरा सेट बना सकती है। आपने उसी सेट पे शूटिंग किया, यानी कि भाई आप खुद चाहते थे कि भाई लोग जो है कनेक्शन निकाले। और ये पार्ट भी है सलार केजीएफ का, क्योंकि आप बैकग्राउंड भी देख सकते हो भाई, पीछे पहाड़ टाइप का है और वो दिख ही रहा है कि वहाँ पे माइनिंग हो रहा है, वो केजीएफ का ही है। तो भाई ऐसे देख के हम सभी को साफ हो जाता है कि भाई 100% में से 10% चांस है कि भाई ये फिल्म केजीएफ का पार्ट हो सकती है, 100% हो सकती है। दिल है कि पूरा विश्वास रखे हुए कि भाई ये पार्ट होगी, अगर नहीं होगी तो हम लोग को निराश भी नहीं होना है। लेकिन अब कुछ लोग के दिमाग में ये होगा कि भाई प्रशांत नील आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो नहीं बता रहे हैं कि भाई सलार केजीएफ का पार्ट नहीं है। तो भाई सबसे पहला इसका मेजर रीजन ये है कि भाई लोग जो है उम्मीद लगा के ज्यादा चले जाते हैं। जैसे कि लोग ने लियो से उम्मीद लगा के गए थे कि भाई लास्ट में हम सभी को रोलेक्स का कैमियो देखने के लिए मिला था, नहीं मिला तो भाई लोग को निराशा हुई, फिर लोग जो है उसको बैड फिल्म बोलने लगे। तो वैसे ही प्रशांत नील ऐसा नहीं चाहते है, उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जब दिमाग में आप एक चीज लेके जाओगे कि भाई इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल गया, 1% का भी हिंट मिल गया, तो भाई आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, आप इसको ब्लॉकबस्टर मान लोगे, आप ये मान लोगे भाई ये मूवी सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर प्रशांत नील पहले ही बता दे कि इसमें केजीएफ का कनेक्शन है तो आप बहुत ज्यादा सोच लोगे, आप सोचोगे कि भाई रॉकी भाई आ जाए, ये आ जाए, फलाना आ जाए, ढिंका आ जाए, आप इतना सारा चीज सोच लोगे कि भाई फिर आप मूवी देखने जाओगे तो आपको जो है निराशा हाथ लगेगी जब आपको वो सब सीन देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही जो है मास्टर प्लान है प्रशांत नील का, मुझे ये प्लानिंग पूरा समझ में आएगा। अगर ये इसका पार्ट है तो भाई इन सब सीन को जो है तभी इन सब सारे सीन को रखा गया, अगर इसका पार्ट नहीं होता तो इन सब सीन को नहीं रखा गया होता। तो बस भाई आपसे इस वीडियो में यही शेयर करना था, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि भाई 5-10% अभी भी होप है, इसको पूरा विश्वास मत कर लेना, लेकिन 5-10% का होप है कि ये मूवी कनेक्टेड है। तो बस भाई आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता होना इस वीडियो में।